न्यूज़ और आप देख रहे हैं द नेटिज़न न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 4 नवंबर को मांगों को लेकर प्रधान संघ ने एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को दिया था, जिसमें कहा था कि मांगे नहीं मानी तो 7 नवंबर को ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में खंड विकास कार्यालय के परिसर में कोच ब्लॉक के प्रधानों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आनंद कुमार पचौरी, रवि महाजन बिरगुवा, हनुमत सिंह कुशवाहा, राम गोपाल यादव, नंद किशोर पटेल, मानू खां, राम जी प्रधान, लाखन सिंह फौजी, गोपाल दास सहित आधा सैकड़ा प्रधान और उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि जून से अक्टूबर तक का भूसा का भुगतान 5 दिन के अंदर करने को कहा था। भूसे का भुगतान न होने पर गौशाला बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा के मटेरियल का भुगतान बकाया है, फीडिंग समय से नहीं हो पा रही। चमेड़ प्रधान हनुमंत कुशवाहा ने बताया बाउंड्री वाल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने धरना प्रदर्शन कर रहे प्रधान से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को समाधान का भरोसा दिलाया। डीसी मनरेगा अवधेश कुमार दीक्षित को निर्देशित किया कि 4-5 दिन के अंदर प्रधानों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने प्रधानों को ये भी आश्वासन दिया कि जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर प्रदर्शन कर रहे प्रधानों ने सहमति जाहिर की, धरने को समाप्त किया। मालूम हो मुख्य विकास अधिकारी अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाते हैं। कुछ दिन पूर्व विभाग में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। फिलहाल खंड विकास कार्यालय में कभी भूसे का पेमेंट, कभी विकलांग आवास को लेकर, कभी फीडिंग को लेकर प्रधान परेशान रहते हैं। अब देखना है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद किस किस पर क्या क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ब्लॉक में कमीशन का खेल है। ग्राम प्रधानों की 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो गौशालाओं का उनका भुगतान नहीं हुआ है, भूसे और चारे का जो शासन से मिलता है उसमें समस्या ये है कि जून से ऑनलाइन डिमांड करने का प्रावधान है और अभी तक किसी वजह से या इनकी लापरवाही से या जैसे भी अभी तक हुआ नहीं है जून का, तो इसलिए प्रधानों का गुस्सा ठीक है। ये नवंबर चल रहा है और अभी तक जून का भुगतान नहीं हुआ, तो इसमें हमने डीसी मनरेगा को जाँच दे दिया है और इस पर जल्दी ही हम इसको 3-4 दिन के अंदर हम इसको करा। टी गार्ड को लेकर के भी उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। टी गार्ड का कोई साक्ष्य मिला नहीं है अभी तक। टी गार्ड का आरोप जरूर लगाया है, उन्होंने कहा है कि सप्लाई हुई है। हम फाइलें जांच करने के लिए 2 लोगों को लगा देते हैं, जो भी फाइलों में कमी मिलेगी उस पर देखेंगे, उस पर जो भी दोषी होगा उस पर। कंप्यूटर ऑपरेटर पर कागज बताए, कागजात गायब हुए हैं उसके लिए कुछ कहा? कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऐसा कुछ नहीं हमको बताया कि कोई कागज गायब हो। विकास खंड से कागज बताया उन्होंने, लिख के दिया है? ऐसा आपको दिया होगा, हमको अभी ना तो बताया ना लिख के दिया। अगर आपको कोई दिया है या उनको देना है तो मैं बात कर लेता हूँ। इस तरीके की ग्राम ब्लॉक कोच में तमाम तरह के आरोप लगते रहे मनरेगा को लेकर, जैसे कि ग्राम इंदौरी में मनरेगा को लेकर के तमाम तरीके के जो है खबरें प्रकाशित हुई थी। नहीं, खबरें प्रकाशित हुई थी कब की बात है? ये 10 से 15 दिन के बीच हो गए। क्या कार्रवाई की गई है इस पे? अगर कोई है इस तरह का प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई प्रकरण है तो आप दे दीजिए, हम इसकी जाँच कराएंगे। वीडियो साहब के संज्ञान में है ये मामला, उन्होंने कहा इसकी जाँच चाहिए। ठीक बात है कि वीडियो साहब के संज्ञान में होगा, लेकिन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए मैं देखता हूँ। इसी के लिए इसी मनरेगा यहाँ पे बैठेंगे, 2-3 दिन लगातार यहाँ बैठे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखेंगे और सामने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। सर, इस संबंध में वीडियो पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या वीडियो के खिलाफ जांच हो रही है और तथ्य मिलते ही उन पे जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वो आपके संज्ञान में आ जाएगा। मैंने 3 दिन पहले वीडियो साहब को एक ज्ञापन दिया था, हमारे कोंच ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में मटेरियल का जो ट्री गार्ड का जो फर्जी बिना सचिव के बिना प्रधान के दस्तखत की फीडिंग हो गई थी 90,000 में, तो उस विषय में हमने ज्ञापन दिया। उचित आश्वासन न मिलने के कारण हमारे प्रधान आक्रोशित हो गए और धरने के लिए उन्होंने एक नोटिस जारी किया था 3 दिन पहले। हम लोगों ने हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। तो क्या इस बात को लेकर आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था? उच्च अधिकारियों को मैंने जो कह रहे वीडियो साहब ज्ञापन दिया था और इसके बाद LIU में अपने जानकारी दी कि हम धरना दे रहे हैं। वीडियो साहब ने क्या आश्वासन दिया था? वीडियो साहब ने उचित कोई आश्वासन नहीं दिया, वो कही थी कि अभी देखेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कैसे फीड हो गया क्या है, तो उनका कोई उचित जवाब नहीं मिलने के कारण। और कई काम और भी हैं वीडियो साहब ने, जो दूसरा बिंदु है कि विकास कार्य में कोई काम नहीं किया, 3-3 महीने से 6-6 महीने हो गए, नरेगा के एस्टीमेट पेंडिंग है, मटेरियल के एक्सपेरिमेंट पेंडिंग है और किसी की FPU नहीं बना रही है। आप एक बात बताओ, मैं आप जो बोल रहे हैं कि वीडियो साहब को इस बात का पता नहीं 90,000 रुपये ट्री गार्ड के जो फीडिंग हो गए निकल गए जी,
तो उनको कैसे पता नहीं, क्या ब्लॉक उनकी जिम्मेवारी नहीं है इस चीज की? जिम्मेवारी वो तो भैया हम तो जानते हैं कि मुखिया है ब्लॉक की, ठीक है, हम लोगों के बिना दस्तखत के कुछ नहीं होता है, और दस्तखत करके भी दो वो भी नहीं होता है, और ये जितना दस्तखत के हो गया ये कैसे हो गया, ये आप लोग उसको निरीक्षण करिए।